सो सर इज वेरी ओवरवेल्ड एंड ही वैसे भी वो कम एक्सप्रेस करते हैं, जीवन भर में वो कम शब्दों वाले इंसान रहे हैं, बट स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। जी, जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में लिया जाता है कि जर्नी ही स्टार्ट उनके थ्रू हुई थी, तो जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान हुई, इनको इन्विटेशन आया, तो उस टाइम पे क्या एक्सप्रेशन थे, वॉज उस टाइम पे इनका पब्लिक के लिए? बहुत खुश थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस समय दिया था, वो बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफी समय से संघर्ष भी किया, उसमें मेहनत भी की, वो सपना पूरा हुआ, तो इसके लिए वो बहुत खुश हैं। जी, अभी जब पीएम की बातचीत हुई, पीएम ने खुद ट्वीट करके बताया कि मेरी बातचीत हुई है आडवाणी जी से, तो उस टाइम पर क्या बातें हुई? वो बहुत बहुत भाव विभोर हैं, सुबह से आंखों में आंसू है, जो अक्सर उनकी उनकी उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में, दूसरे टाइम जब आते हैं तब तिरंगे को सलाम करते हैं। ये दो समय में, या उनकी कोई ज्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं, या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं। तो ही इज वेरी ओवरवेल्म्ड एंड ही वांट्स टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एंड मोर इम्पोर्टेंटली द पीपल ऑफ द कंट्री एंड ही फील्स वेरी सैटिस्फाइड एंड ग्रेटिफाइड एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ। अगर अपने रिजीम में वो किसी को याद करते हैं इस टाइम में जो उनके साथ में थे, तो उस बारे में कुछ पहले का? उन्होंने मैंने जब बात करी तो दीनदयाल जी, अटल जी, और अगर निजी जीवन में देखा जाए तो माँ को बहुत याद करते हैं। माई मदर वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू हिम, न केवल राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक तो था ही, राजनीतिक जीवन में हर समय उनके साथ रहती थी। तो जब से माँ गई 2016 से, तब से आई हैव ट्राइड टू फिल इन दैट गैप, बट ऑफकोर्स माँ वॉज माँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।